हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलो, उम्मीद करता हूँ आप सुन मुझे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है 2020 की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या जो पॉलिसी है वो मैं आपको बताऊंगा, YouTube की ऑफिशियल पेज पे ले जाके मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आपको करनी होगी। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स का तो आपको पता ही है कि 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, लेकिन और भी क्या क्या चीज़ है वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर ले जाके। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सब्सक्राइब वीडियो कर लीजिए लाइक। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है हमको, तो क्या करना है आपको, नीचे यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नेम दिख रहा होगा, इसको वहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए करते वीडियो को शुरू, लेट्स। तो ये देखिए, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, हम आ चुके अपने YouTube के मेन पेज पे, यानी ऑफिशियल वेबसाइट है YouTube की, जहाँ पे YouTube सारी समस्याओं का समाधान बताता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसका कि आपको पता होगा कि आप अगर अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज करना चाहते हैं तो उस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 12 महीने के अंदर अंदर, तभी जो आपका अकाउंट है वो मोनिटाइज होगा। इसका तो आपको पहले से ही पता होगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए वीडियो बनाया है, एडसेंस कार्यक्रम की नीतियों और यूट्यूब की सेवा की शर्तों का पालन करें। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सामग्री की क्वालिटी के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे ये दिए गए, फिर से इस्तेमाल किया गया कंटेंट यानी रियूज कंटेंट, रियूज कंटेंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे रियूज कंटेंट का भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखे गए हैं यूट्यूब की तरफ से, कुछ आपस में जोड़े गए तीसरे पक्ष के वीडियो जिसमें बहुत ही कम बदलाव किए गए, तो ये रियूज कंटेंट में आता है। बिना किसी ब्यौरे के इकट्ठा की गई तीसरे पक्ष की सामग्री, यानी कोई भी डिटेल आपने नहीं दी है और तीसरे पक्ष का कोई भी वीडियो या फिर कोई भी कंटेंट आपने लगा लिया अपनी वीडियो में, तो ये भी रियूज कंटेंट में आता है। पहले किसी और जगह पर अपलोड की गई सामग्री जिसको कि आपने डाउनलोड करके अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो ये भी रियूज कंटेंट में आता है। एक से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों ने सामग्री को कई बार अपलोड किया, तो ये भी यहाँ पे रियूज कंटेंट में आता है। तो दूसरा पॉइंट है बार बार दिखाई देने वाली सामग्री यानी रिपीटेशन कंटेंट, ये क्या है, इसके भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंथेटिक आवाज तीसरे पक्ष की सामग्री या बेतु की सामग्री को पढ़ती है। वीडियो से वीडियो में कम से कम बदलावों के साथ चैनल पर सामग्री, यानी आप वीडियो में बहुत ही कम बदलाव करते हैं और उसी वीडियो को डाल देते हैं, तो ये रिपीटेशन कंटेंट में आ जाती है। एक ही चीज बार बार दिखाने वाली या बेतु की सामग्री जिसमें कोई दूसरी सीखने के लिए अहम चीज नहीं है, कमेंट या ब्यौरा शामिल ना हो, यानी जो आप कोई भी वीडियो डाल देते हैं जिसमें आपने पहले भी कोई वीडियो डाली और उसके बाद भी वैसी वीडियो डाल दिए जिसमें दोनों में मेल खा रही है, कोई अलग चीज नहीं दिख रही YouTube को, तो ये भी रिपीटेशन कंटेंट में आ जाती है। वह सामग्री जिसे बड़े पैमाने पर या प्रोग्रामेटिक तरीके से बनाया गया है, ये भी रिपीटेशन कंटेंट में आती है। इमेज स्लाइड शो या स्क्रॉल होने वाला टेक्स्ट जिसमें कोई दूसरी सीखने के लिए अहम चीज कमेंट या ब्यौरा ना के बराबर हो या बिल्कुल भी शामिल न हो, तो ये भी रिपीटेशन कंटेंट में आती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, विज्ञापन से जुड़े उल्लंघन, यानी जो आप एडवर्टाइजमेंट से जुड़े जो आप करते हैं कोई गलतियां करते हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे किसी वजह से अपने विज्ञापनों पे क्लिक करना, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप अपने ही वीडियोस को बार बार देखते हैं जिससे आप सोचते हैं कि मैं बार बार देखूंगा एड आएंगे तो जो एडसेंस में कमाई है वो बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों इससे आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है, हो सकता है क्या, हो ही जाता है। दूसरों को अपने विज्ञापनों पर क्लिक करने के लिए कहना, ये भी यहाँ पे इसका उल्लंघन है, और क्लिक पाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करना, ये भी यहाँ पे उल्लंघन। और एक और है यहाँ पे, तीसरे पक्ष की साइट और उसके टूल का इस्तेमाल करना, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं मैं आपको बताया था, बनावट या मैनुअल तरीके से सदस्य बनाने या देखे जाने की संख्या बढ़ाने के लिए तीसरे पक्ष की साइट और टूल बनाना या उनका इस्तेमाल करना। और दूसरा पॉइंट है अपनी वीडियो सामग्री पर या उसके अंदर किसी तीसरे पक्ष के विज्ञापन प्रायोजन या प्रचार को एम्बेड करना। और तीसरा है मुनाफे के लिए अपने YouTube चैनल और या पार्टनर चैनल को किसी तीसरे पक्ष की साइट की मदद से बेचना। अगर आप बेचते हैं अपने चैनल को और YouTube को पता चलता है तो भी आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल कर दिया जाता है और आपका चैनल भी यहाँ से डिलीट होने के चांसेस बन जाते हैं। लोगों से चालाकी करना या उन्हें बहलाना जिससे वे पसंद या पसंदीदा जैसी वीडियो सुविधाओं पर क्लिक करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाहता था, इनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अपने चैनल को अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं प्लीज वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।